बलदाऊ के भैया स्वामी बले बिराजे जू तम तो बले बिराजे जू दार रांदो भात रांदो परवल की तरकारी और मीण माण के भोग लगाओ मीण माण के भोग लगाओ वृंदावन के स्वामी तम तो बले बिराजे जू तम तो भले विराजे जू अरे वृंदावन के स्वामी तुम तो भले विराजे जू बलदाऊ के भैया स्वामी भले विराजे जू। लग गई टाठी होगा पूरो इंतजाम अब जा रहे पर रहे काल हर चटा है आज तो मूल पे आ रहा हो कछु नहीं है हर चट में आता सब सही करे राम राम पहुंचे ढिलापुर वाली को आ गई ढिलापुर वाली बताओ कल हर चटा है हमने इसे आज से पूरा इंतजाम करके धर लो और टाटी भी लगा ले काहे हर चट में पानी तो मिलत नहीं है मूड प्राण लगा था वहां हम चाय तो इतनी पियत कि तुम हमें पानी ना दे और हम पूरे दिन बिना खाना के रुके रहे भी लेकिन चाय चाहने ऊ में तो चाय मिलता ही नहीं है सो यही से हमने टाटी लगा ली अब हर छठ का है भादो महीना की जौन कृष्ण पक्ष होत ऊ में हर छठ तिथि है बहुत षष्ठी का काज छठ है सो यही से ही खा हर छठ का और का होती में हम बताए दे रहे जौन कृष्ण भगवान है उनके जौन बड़े भैया हैं बलराम उनको जन्म भाव तो ई में सो यही से ही खा हर छठ का और ई में जौन हल होत उसे जुती बबी चीजें कछु नहीं खाई जात सो यही से हर छठ का हाथ जो अब सबको पतो तो हुई है कि बलराम जोन हते कृष्ण के भैया उनको जोन शस्त्र है वो हल आए सो हल से जुती बबी चीजें तो मनाई रहती ई में नहीं खाई जाती ई में झरबेरी को पेड़ होत सो ऊ में एक कनस्तर में धल लो झरबेरी को फूल हो गो पूरो को बोरात झाड़ रहा और गुलेर हो गो पलास हो गो ऊ सब का धल लो पूजा की विधि ये बता रहे हम तो मन का धल लो और फिर से देखो जैसे हमने टाठी लगा ली उसे ही तो मूनखा लगा लेने और पूरी धल लेने इंतजाम करके और फिर होते पे पूजा पहले गोबर से लीपी लइयो और गंगा जल छिड़क लइयो और सब औरतन हाँ न्योतो दे के बुला लइयो कहे कि जो नहीं कि एकलौती तुम बैठ बैठ के पूजा कर लियो सब खा बुलाओ जा जी से बैर हो वहां भी बुला लइयो कहे कि जो लड़का की लंबी आयु की पूजा आए देखो हम भी कर रहे ई उपास में का होत उसे तो सब उपास काट की बच्चा की आयु लंबी होत को में पति की आयु लंबी होत लेकिन हर छठ में मोड़ा की आयु लंबी होत सो यही से जो उपास हर औरत के लाने अच्छो है जी के मोड़ा हो को की बिटिया हो सो बेबी राती खैर अब जी के आवाज के टाइम पे मोड़ा मोड़ी में फायदा नहीं है सो बेबी राती सो लंबी आयु के लाने जो उपास धर हो जात सबेरे से सो के उठे नहाओ धो बढ़िया पूजा पाठ करी और शंकर जी पार्वती मैया उनको पूरे परिवार का धर के उनकी पूजा अर्चना करी श्रद्धा भाव से जैसी जो भाई ई की पूजा हर छठ की शाम के टाइम करी जात जब संध्या काल हो शाम के सूरज डूबन लगा तब ई की पूजा होत है सो ई में कहा है देखो सबसे बड़ी चीज ई में महुआ रात महुआ होगा तुम्हें जवा हो गए चना हो गए और बिराती की बांस की बिलकुआ बेचाने आओ और चना हो गए वे सब ई में लगा थे और मक्का हो गो जिस इंतजाम करके धर लो और ई में कहा है जैसे उपास खोलो तो उपास में कछु खाओ तो जात नहीं दूसरे दिन तो खाओ सो ई में बना लो खखरिया पपरिया जो कछु बना पाओ बुंदेलखंड में जी तो हर त्योहार में बनता ही है सो बना ले जी और शाम की ओई बिलकुआ में सूपा लो और साथ थे बिलकुआ ले रहे कहे की जी बदली जाते सबसे सो में सब सामान धर लो खखरिया पपरिया हो चना मक्का और तुम्हारे जवाब महुआ जी सब कछु धर लो वही सूपा के पास जब पूजा करवेगा तो उतना ही धर लो और फिर जब पूजा करवे के बाद में ई खा बदलो जात और वो हमारे वो लड़का का लगाई जात अब हम तो मैं बता दे रहे कि ई के पीछे की कहानी का है एक ग्वालिन हती ऊ के प्रसव पीड़ा को टेम आ गो तो ऊ के बच्चा होने तो अब वो हती का है वो गरीब हती सो वो दूध दही बेचू कर हती अब उन्हें कही कि बाद में हम जेवी पहले अगर हमारा लड़का हो चाहे बिटिया हमें उसे मतलब नहीं है कछु
हम पहले अपने दूध दही बेच के आ रहे, उन्हें जो ना सूची आपकी जो आज हर चाटा है, पता ही ना तू की हर चाटा है। अब गैया को और भैंस को दो ही जनन को दूध हाथों में लो, जबकि हर छठ के उपास में गैया को दूध बिल्कुल नहीं खाओ जात, न इसे बनो दही घी कछु ने, कहे की मैं सब कछु भैंस ही को लगा थे। अब उन्हें जाके गली गली गई सब औरतन का बेच दो, सब औरतें इंतजार करती हूँ वो कि वो आ है, तो सब हाँ बेच दो। सब ने उसे पूछी भी कि काय की मैं गैया को तो नहीं मिलो दूध और तो मक्खन बेच रही हूँ दही बेच रही भैंस ही को तो आए, तो उन्हें झूठ बोल के सब हाँ बेच दो। और उके पहले उके बच्चा तो वही तुम मोड़ा झरवेरी के पेड़ के पीछे। अब जब उस बेच के गई उते पे सो उन्हें देखो कि उते पे जो किसान है तो जो हल चला तो उको हल उके ऊपर चढ़ गो, उको बैल रसा गो सो हल चढ़ गो उके बच्चा के ऊपर, सो उको मोड़ा को पेट फट गो। तो अब वो समझ गई कि जब हमें तैसे जा रहे थे बेच भी तो हमारे जब लड़का भाव तो झरवेरी के पेड़ के पछाए हमें तीन पे डार गए थे, और जब मोड़ा भाव तो इतने की दूर के एक खेती किसान कर रहा हूँ, किसान खेती कर रहा हूँ तो सो वही को हल चढ़ रहा। अब वो समझ गई थी सो कान लगी वो जो हमारे पाप को फल आए, हमने सबसे झूठी कही थी कि जो गैया को नोई भैंस ही को आए, सो बताओ इतना बड़ा हमसे पाप होगा। अब इस सब के घर घर गई जहाँ जहाँ पे वो दूध दही दे के आई थी सबके घर घर गई और ते पे जाके उन्हें सबसे बता दी कि जो हमने तुमने कहा दूध दही अगर तुमने उको उपयोग न करे हुए, तुमने उन्हें पूजा न करी हो मक्खन में और दही में, तो वो तुम्हारे को न हो हम पूजा करी हो, कहे कि हमसे गलती हो गई, हम झूठ बोल के जो बेच गए थे। तो सब जने ने उखा उन्हें गलती मनाई सबसे, सब ने उखा आशीर्वाद दो कि जाओ तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूरी हुई है। सो उन्हें कही कि तुम और हमें सब औरतें सुहाग बतियाओ तुम्हारे हर छठ की पूजा करवे जा रहे हैं, लड़का की पूजा लंबी आयु प्राण जो पूजा हो तुम हमें जो आशीर्वाद दो कि हमारा जो मोड़ा होते पे मरो डरो वो जिंदा हो जाए। सो इन सब ने आशीर्वाद दो उखा, तो जब वो होते पे गई सो उन्हें देखो कि उको मोड़ा होते पर हो तो हंस रहो तो खेल रहो तो सो बस सो उन्हें सबको जाकर पे धन्यवाद दो। सो जो गया कि जो पूरी जो पूजा रात हर छठ की सो मोड़ा की लंबी आयु के लाने हो, लेकिन सब पूजा में अलग अलग मायने हो, पूजा सबकी एक सी रात को के अलग अलग रात एक सी भी रात, लेकिन एक चीज सब में है कि जब भी को उपास रहे औरत तुम्हें कब आदमी से झूठ नहीं बोलने पड़त न को की चुगली करने पड़त, कहा कि औरत सौ पास रह ले, लेकिन अगर उन्हें अपने आदमी से झूठ बोली और छल कपट करो तो उनको को फल नहीं मिलाता और पूरा पाप में बदल जा। सो यही से हम कहा है कि अगर तुम्हारे अपने आदमी के पेंट से पैसा भी निकालो तो बता रही हूँ कि हमने निकाल ले, और खासकर हर शर्ट को पास रहा तो बता रही हूँ कि झूठी नहीं बोली जात, फालतू में आगे फन फना है तो तुम्हें शराब लगे। सो ढेला पर वाली तो जारी कर मूड पर आ रहो हम एन फिर अभी तुम खिलाने बता अभी तीज त्योहार, जब तक तुम उनका बुंदी चुगरी का सब्सक्राइब कर लेने और फेसबुक में लाइक और शेयर कर लेने, कहे की हमें तो आगे यहाँ बतावे, तब तक ढेला पर वाली को सबका राम राम पहुंच जाए।